अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं कासिम अली शाह हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ और इसके साथ साथ जौन सा स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ। आज हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है वो है एफए के स्टूडेंट्स और उनका कैरियर और उस सारे कैरियर के साथ जो अपॉर्चुनिटीज जुड़ी होती हैं उनको हमने डिस्कस करना। अच्छा, एफए जौन सा है वो, क्योंकि मतलब हम लोग एफए के स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हैं जैसे ये कोई बहुत लायक बच्चे नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये होता ही है कि मैट्रिक में ही बच्चे जो उनसे हैं वो एक अलहदा से बन जाता है उनका तरीक़ाकार के वो साइंस या आर्ट्स रख सकते हैं। अमूमी तौर पे एफए में जाने वाले बच्चे जो उनसे हैं वो होते हैं जो मैट्रिक में आर्ट्स पढ़ रहे होते हैं। आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे जो उनसे हैं वो मैट्रिक करने के बाद जो उनसे वो एफए की तरफ चले जाते हैं। इनका जो मेरिट होता है वो कॉलेज अगर देखे जाएँ तो गवर्नमेंट कॉलेज जिस तरह है तो उसका मेरिट जो उनसे वो ज़्यादा होता है, और उसके बाद एफसी कॉलेज और बाकी सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, उनका मेरिट जो उनसे तरतीब के लिहाज से कम होता जाता है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात यह है कि ये एफए करने वाले स्टूडेंट्स, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि इंजीनियर डॉक्टर्स के बाद सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा अच्छी सीट्स जो बैरोक्रेट्स के सीएसएस करने वाले बच्चे ले जाते हैं वो एफए करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये अमूमन मैट्रिक और इंटर में बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता जब वो एफए कर रहे होते हैं कि कल को इनका इतना स्कोप है। पंजाब बोर्ड्स का और बाकी सारे बोर्ड्स का वो जून जुलाई में हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के 20 दिनों के अंदर अंदर जो है वो तमाम कॉलेजेस जो है वो अपने एडमिशन को ऑफर करा देते हैं, और ये 20 दिनों के अंदर एडमिशन होके तो सितंबर 1 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। किस तरह का एप्टीट्यूड जो है वो स्टूडेंट्स का होना चाहिए जो एफए करना चाहिए? अच्छा, ये जब भी हमने जज करना होता है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि ये कंपास है हमारे पास कि स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट देखे। ये इतने सब्जेक्ट्स जो शुरू से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को जो है वो लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, बच्चों को मैथ पढ़ाया जाता है, बच्चों को साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाई जाती है, बच्चों को जो है वो ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता है, बच्चों को इवन म्यूजिक पढ़ाया जाता है। ये सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट को मुंतखब करके कल को अपना कैरियर बना ले। तो ये जो कैरियर होता है ये बच्चा पहले से ही थोड़ा थोड़ा असेस करने लग पड़ता है। अगर बच्चा असेस ना कर पाए कि मेरा कैरियर कौन सा है तो उसके टीचर्स और वालदैन बड़ा अच्छा असेस कर लेते हैं कि बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है। तो ये एफए करने वाले जो बच्चे होते हैं अमूमन इनकी इंटरेस्ट जरा साइंस सब्जेक्ट में कम होती है। सर, इसके लिए एफए करने के लिए पाकिस्तान में जो जॉब वैकेंसीज और इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को किस तरह मिलती है? अच्छा देखिए, जो भी टेक्निकल जॉब्स हैं जो साइंस स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करती हैं वो तो हम छोड़ देते हैं कि आर्ट्स के बच्चे उसको नहीं ले सकते। लाइक इंजीनियर की सीट जो उनसी है वो एमए करने वाला नहीं ले सकता, इसी तरह जो उनसे वो एक डॉक्टर की सीट जो उनसे वो एक एफए करने वाला बीएमए करने वाला स्टूडेंट नहीं ले सकता। लेकिन ये जो आर्ट्स की लाइन है बड़ी वास्ट लाइन है, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेशुमार हैं, लातादात। एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेस इसमें आ जाती है। कल को बच्चे जो उनसे हैं वो अपने आप को आगे लेके जाने के लिए जो उनसे वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने लग पड़ते हैं, बच्चे साइकोलॉजी पढ़ने लग पड़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ने लग पड़ते हैं, इवन बच्चे इकोनॉमिक्स की तरफ बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये बेशुमार ऐसी लाइनें हैं जिनको बच्चे ज्वाइन करते हैं और आने वाले वक्तों में अपना कैरियर उनमें बना लेते हैं। सर, इसका पाकिस्तान में स्कोप क्या है एफए का? देखिए जी, स्कोप जो है वो स्कोप के लिए एक सबसे खूबसूरत फिक्रा जो बोला जाता है, स्कोप फील्ड्स का नहीं होता, स्कोप बंदों का होता है। टैलेंटेड बंदा अपनी नीड खुद बना लेता है, तो ये कहीं पर भी अगर कोई टैलेंटेड बंदा है तो वो स्कोप उसके साथ जुड़ा हुआ है। सर, इसके लिए स्टडी अब्रॉड ऑप्शन भी है? अच्छा जी, स्टडी अब्रॉड बड़ी इंटरेस्टिंग है। शायद पाकिस्तान तालीम के मामले में शायद उतना बेहतर नहीं है, दुनिया के तमाम जो अच्छे कंट्रीज़ हैं उसमें तमाम सब्जेक्ट्स की आपको स्टडीज़ मिल जाती हैं। मसलन मिसाल लीजिएगा कि दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सिर्फ इस चीज़ को पढ़ाने को तैयार हैं कि इंसान ऐसा सोचता क्यों है, ये सिर्फ इंसान के सोचने पर भी पीएचडी करवा देती हैं। दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो सिर्फ इस बात पे पीएचडी करवा रही होती हैं कि ये जो लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं और इकट्ठे रहते हुए सोसाइटी बनाते हैं, ऐसा होता क्यों है। तो ये दुनिया में तमाम जगह पे आर्ट्स वालों के भी जो उनसे वो स्कोप मौजूद होते हैं, दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो उनसी हैं वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को वेलकम करती हैं। एनी डिप्लोमा शॉर्ट कोर्स व्हिच यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स? अच्छा, ये एक गुड लक है इस वक्त के जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक यूनिवर्सिटी पंजाब है, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है और बाकी सारी ये जो हैं कायदे यूनिवर्सिटी, ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने डिपार्टमेंट में जो मास्टर्स करवा रही हैं उस मास्टर्स के साथ एक डिप्लोमा भी उन्होंने ऑफर किया हुआ। ये उन लोगों के लिए जो 2 साल पाबंदी के साथ नहीं आ सकते, उनके पास टाइम थोड़ा है, कोई जॉब कर रहे हैं
या वो कुछ कुछ और करना चाह रहे हैं लेकिन इसकी स्किल लेना चाह रहे हैं, तो वो शॉर्ट डिप्लोमास जो उनसे यूनिवर्सिटीज ऑफर करवा रही हैं। ड्यूरेशन का जो है वो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाके कंफर्म कर लिया जाए, क्योंकि ये जो हमारे मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और मास्टर्स होता है इसकी टाइमिंग का अंदाजा हो जाता है कि एडमिशन कब खुल रहे हैं, लेकिन ये जो डिप्लोमास होते हैं इनकी अमूमी तौर पर कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती। ये प्लान ये करते हैं कि जब इनके पास फिजिबिलिटी होती है, स्टाफ और टीम पूरी होती है और इनकी मैनेजमेंट इसको बेयर कर सकती है, चला सकती है, तो ये ऑफर करा देते हैं। स्टूडेंट्स, माइकल एंजेलो एक ऐसा शख्स था जो मुजस्मे बनाता था, और ये शख्स जो उनसा था मुजस्मे बनाते हुए अपनी सारी ज़िंदगी इसने गुजार दी। ये इतना जुनूनी और इतना ज़बरदस्त इंसान था कि जब ये मुजस्मा बनाने लगता था तो कई कई महीने तक अपने बूट भी नहीं बदल सकता था, और जब कई महीनों के बाद अपने बूट बदलता था तो पाँव की खाल बूटों के साथ उतर जाया करती थी। इससे किसी ने पूछा कि तरक्की का क्या राज है, उसने सिर्फ एक बात कही, उसने कहा दुनिया के छोटे से छोटे काम को भी अगर आप बेहतरीन अंदाज में करने लग पड़ते हैं तो कोई भी आपको तरक्की से नहीं रोक सकता। एफए के स्टूडेंट्स को मेरा ये खासकर पैगाम है, अक्सर एफए के स्टूडेंट्स की सेल्फ इस्टीम यानी तौकीरे ज़ात कम होती है, वो समझते हैं कि हम इतने अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे। मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं अगर आप मेहनत करते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की से नहीं रोक सकती। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।